हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज मैं काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग शूट कर रहा हूँ और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है फ्रेश मॉर्निंग से। तो गाइस, आज का जो मौसम है वो थोड़ा ख़राब है, तो सुबह से बारिश हो रही है हल्की हल्की सी, तो उसके बाद जो मौसम है वो अभी भी ख़राब है। तो मैं आपको मौसम दिखाता हूँ। तो गाइस, आज मैं आपको दिखाऊंगा जो सेब हैं पहाड़ी एरियाज़ में, ज़्यादातर भदरवाह में, तो वो पककर रेडी हो चुके हैं। तो आज के व्लॉग में वो सेब दिखाऊंगा और भी कुछ चीज़ें, तो आज आप इंजॉय करो। तो गाइस, ये हैं सेब जो बरसात के टाइम पकते हैं, तो अब ये रेडी हो चुके हैं पकने के लिए। तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कोई 5-6 दिन का वक्त है, तो उसके बाद ही हम इन्हें निकाल सकते हैं। तो गाइस यार, आज थोड़ी सी बारिश भी हो चुकी है, तो मैं आपको थोड़ा इस पर चढ़ कर दिखाता से, बट नहीं दिखा सकता क्योंकि बारिश है तो पानी है थोड़ा थोड़ा। तो गाइस, ये अभी बिल्कुल रेड हो चुके हैं, तो ये आपको पकने के लिए। तो गाइस, ये देखो भाई, देखो भाई, ये सेब पूरी तरह पक चुके हैं। उसके बाद थोड़ा नीचे जाते हैं, तो नीचे से भी आपको दिखाते हैं सेब। तो गाइस, ये है जो एक साथ 4-5 है भाई। देखो भाई, देख लो भाई इधर। तो गाइस, ये हैं आम सेब बड़े वाले, जिनको अभी 2 महीने लगेंगे पकने के लिए। इन पर मसा थोड़ा थोड़ा रेड कलर आ रहा है, तो भाई दिखाता हूँ आपको आज सेब। जब ये बड़े होते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत बड़े होते हैं, और इनका कलर बिल्कुल रेड हो जाता है। तो गाइस, ये रहा अखरोट नट्स, तो ये भी अब रेडी हैं। इनको भी अभी है थोड़ा 1.5 महीना है अभी इनको, तो उसके बाद ये बिल्कुल पक जाएंगे, तब हम ये निकाल पालेंगे। तो भाई, उनका भी वीडियो डालूंगा मैं। तो गाइस, ये हैं थर्ड कैटेगरी के सेब, जो भाई एक जगह 5-5-6 होते हैं, तो इसके बाद इनका जो टेस्ट है बिल्कुल मीठा है। तो उसके बाद जनाब, ये अंदर से फीके होते हैं, पानी जिनमें पानी ज़्यादा नहीं आता, तो जो आम सेब है वो बरसात वाले, तो उनमें पानी आता, तो इनमें पानी नहीं आता, वाटर लेस सेब है। तो अब दिखाने वाला हूँ मैं आपको देसी खीरा, जो मार्केट में जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और बहुत महंगा मिलता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा देसी खीरा, तो अभी ये धीरे धीरे ग्रो होता जा रहा है, और कुछ दिनों के बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा खाने के लिए। अभी बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, तो ये इसके बाद अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो आपको मैं आज दिखाऊंगा। मक्की का पौधा है, उसके अंदर मतलब फल आ चुका है। तो गाइस, अब जो मक्की है उसमें जो भुट्टे होते हैं, तो वो आने शुरू हो चुके हैं। तो मैं आपको थोड़ी नज़दीक से दिखाता हूँ, तो ये रहा, तो और बहुत ज़्यादा अब लग रहे हैं भुट्टे। तो भाई, अब तो मज़े ही मज़े भाई पहाड़ी एरिया में। तो गाइस, ये रहे सेब जो मैंने काटे हैं, और बहुत ज़्यादा मस्त लग रहे हैं, और भाई टेस्ट इनका चीनी के जैसे मीठे हैं भाई, बहुत मस्त है भाई, और कलर इनका बिल्कुल रेड है भाई। गाइस, मैं मार्केट गया था और अभी जा रहा हूँ मैं घर, तो यह रहा यहाँ का व्यू गाइस, नंबर 1।
आज का व्लॉग यहीं तक, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। जिस किसी को भी ये व्लॉग अच्छा लगा तो भाई लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट कर ज़रूर बताना कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा।